हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है स्टफिंग। तो जिसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ स्टफिंग। तो मीनिंग ऑफ स्टफिंग में हम देखते हैं, स्टफिंग मींस अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पीपल अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस दैट मोर कैपेबल पर्सन आर अपॉइंटिंग इन मोर इम्पोर्टेंट पोस्ट एंड कंपैरेटिवली लेस कॉम्पिटेंट पीपल्स कैन बी appointing on less important post. On other word, all the function undertaken to establish coordination between the post and the individuals comes under stuffing. तो जैसे कि हमने देखा, मीनिंग में बताया जा रहा है कि स्टफिंग ऐसा प्रोसेस होता है, फाइनेंशियल प्रोसेस होता है, जिसमें लोगों को पोस्ट पे भर्ती करने की कार्य को किया जाता है। ये भर्ती उनकी कैपेबिलिटी के आधार पे होता है। जो ज्यादा काबिल होते हैं उनको ज्यादा अच्छे पोस्ट पे भर्ती की जाती है, और वहीं जो उनसे कम काबिल होते हैं उन्हें उनके नीचे वाले पोस्ट में अपॉइंट किया जाता है। और अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो वो सारे फंक्शन जो कि कोऑर्डिनेशन, मतलब कि आपके समन्वय स्थापित करते हैं किसी भी पोस्ट और इंडिविजुअल के बीच में, उसको हम लोग स्टफिंग कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है डेफिनेशन। विरिच कुंस ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा डेफिनेशन रखा है। उन्होंने कहा है कि द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टफिंग इन्वॉल्व्स द फीलिंग एंड की फील पोजिशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो उन्होंने कहा है कि स्टफिंग एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें जो आपके पोस्ट, जो खाली पोस्ट है, उसको भरने का काम किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टफिंग। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टफिंग इज रिलेशनशिप विद ह्यूमन बींग्स। It means that unlike planning and organizing, it is not mere paperwork but involves the appointment of competent person various post. तो इसमें बताया जा रहा है कि जैसे कि हमने पहले ही पढ़ चुका है कि ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन होता है जिसमें कि हमारा मेनली पेपर वर्क होता है। प्लानिंग में हम प्लान करते हैं कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग में हम वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, और ये भी मेनली पेपर वर्क ही में होता है। लेकिन अब स्टफिंग एक ऐसा प्रोसेस आ जाता है जिसमें कि पेपर वर्क को छोड़ के अपॉइंटमेंट दिया जाता है, अपॉर्चुनिटीज दी जाती है ताकि आप लोगों को रिक्वायरमेंट प्लेस पे फिल कर सके। उसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जो कि है सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टफिंग इज दैट इट इज अ सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन मींस दैट फार फ्रॉम बीइंग अ मेजर पार्ट ऑफ सम फंक्शन, इट इज इन इट्स मेजर फंक्शन। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टफिंग जो है वो एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, बट इसमें जो मैनेजरियल फंक्शन है वो सेपरेट है उसके बाकी के कामों से, और एक ये मेजर फंक्शन के तौर पर इसको देखा जाता है। वहीं अगर हम इसके थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करें, जो कि है असेंशियल एट ऑल मैनेजेरियल लेवल। स्टफिंग इज असेंशियल एट ऑल मैनेजेरियल लेवल। मस्ट बी क्लियरिफाइड हियर दैट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट पर्सनल डिपार्टमेंट डज नॉट फील द मैनेजेरियल कंसर्न फ्रॉम दिस ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शन। द एम ऑफ एस्टैब्लिशिंग द डिपार्टमेंट इज टू असाइन द मैनेजर एट एवरी लेवल इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन ऑफ स्टफिंग। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे मैनेजर्स होते हैं और उनके जो काम होते हैं वो सारे लेवल ऑफ बिजनेस के, या फिर सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और ईच लेवल पे उनके इम्पोर्टेंस का हमें पता चलता है और सारे लेवल पे उनकी जरूरत होती है, इसलिए हर लेवल पे अलग अलग मैनेजमेंट को अपॉइंट किया जाता है। अब हम इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टफिंग डील्स विद ह्यूमन बींग्स एंड मैन इज अ सोशल एनिमल। सिंस इट इज कंसर्न विद ह्यूमन बींग्स, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फंक्शन इज बॉर्न। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्योंकि स्टफिंग जो है वो ह्यूमन बींग्स के साथ रिलेट करता है, और ह्यूमन बींग्स एक सोशल एनिमल है, और इससे क्या होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि ये आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड देता है। पहले के दो काम में, जैसे कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में, हम लोगों ने अपॉइंटमेंट नहीं देखा, किसी भी तरीके की ह्यूमन नीड्स को नहीं देखा, बट जब भी हम स्टफिंग की बात करते हैं तो इसमें हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं ताकि हमारे काम आसानी से और अच्छे से पूरे हो सके। अब हम इसके लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टफिंग इज अफेक्टेड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस। द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस इंक्लूड पॉलिसी कंसर्न विद द एम्प्लॉयज, लाइक द प्रमोशन पॉलिसी, डिमोशन पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी एक्सेट्रा। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस इंक्लूडेड गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एजुकेशन पॉलिसीज। तो इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि स्टफिंग दो तरीके के फंक्शन से इफेक्ट होते हैं, जो कि होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में बेसिकली हम लोग देखते हैं उन पॉलिसीज के बारे में जो कि इंटरप्राइजेस को रिलेट करता है, जैसे कि प्रमोशनल पॉलिसी, डिमोशन पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी। लेकिन जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो ये हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी की तरफ डिनोट करता है। तो होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।